और साथियों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हम लोगों के बीच स्टेज पर माननीय हमारे लोकप्रिय जुआ पार्टी के कार्यकर्ता विराज करने का बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ले जाए संघर्ष यात्रा के स्वागत सह नुक्कड़ सभा कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथीगण, यहाँ उपस्थित हजारीबाग जिला के शहर के आप सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, संघर्ष यात्रा का चौथा चरण आज झारखंड रामगढ़ से शुरू करके आज हम लोगों ने हजारीबाग पहुंचने का काम किया है। कल इस यात्रा को और भी लंबा दूर जाना है और आज इस संघर्ष यात्रा के पीछे जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि झारखंड वासियों को आज तक कुछ भी मिला है तो ये संघर्ष के माध्यम से ही मिला है। और आज झारखंड प्रदेश ऐसे लोगों के हाथ में है जो आज हमारे इस राज्य के मूलवासी आदिवासी दलित पिछड़े शोषित अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर लगातार हमला बोल रहा है। आज इस सरकार की नीतियों के वजह से इस राज्य में लोग गोदाम में अनाज सड़ता है और लोग भूखे मरते हैं। आज सरकार की नीतियों के वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। आज सरकार की नीतियों के वजह से यहाँ का रोजगार धंधा ठप पड़ा हुआ है। आज सरकार की नीतियों के वजह से हमारे नौजवान पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को रोजगार नहीं मिल रहा है और नौकरी भी नहीं मिल रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा तो और भी बद से बदतर है और सरकार लगातार राज्य में विकास की ढोम और विकास के डफली बजा रहा है। रोज ये बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से, टीवी रेडियो के माध्यम से विकास का बखान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज इस सरकार ने
इस राज को बर्बाद करके रख दिया है। आज इस राज के सभी वर्गों को बर्बाद करके रखा है। हमारा जनसंपर्क अभियान है, आज आपको ये तय करना है और लोगों तक संदेश पहुंचाना है कि आज देश के अंदर के क्या हालत है और राज्य के अंदर की क्या हालत है, सामाजिक समरसता की हालत क्या है और आज देश कहीं ना कहीं आगे जाने के बजाय पीछे चला गया।